नमस्कार साथियों, गरुड़ प्रकाशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपना ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, कल से शुरू किया था मैंने इसका। पहला जो टेस्ट था उसमें 28 क्वेश्चन थे, उसके आगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का ही ये सेकंड टेस्ट है। टॉपिक फर्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी साइंस टेक के अंतर्गत ये पहला टॉपिक है। कल तक अपने 28 क्वेश्चन किए थे, उसमें कुछ अपने इंडिया में जो स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट दिखाया गया था, कुछ संस्थाओं के बारे में देखा था अपन ने। आज हैं कुछ हिस्ट्री है इसकी, इसरो की, और भारत का जो अंतरिक्ष विज्ञान तकनीकी का विकास हुआ है उसका कुछ हिस्ट्री है, और कुछ हैं बाकी हैं करंट हैं इसमें। 23 तक का, अभी तक का 23 तक का जो करंट अपडेट हुआ है वो इसमें शामिल हैं। कुछ करंट हैं, जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं करंट के अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो ये 29वां प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV के विकास का कार्य किस केंद्र के निर्देशन में हुआ, यानी जो SLV उपग्रह प्रक्षेपण यान है ये, उसका जो विकास है वो किसके निर्देशन में हुआ। अब जितना भी है इसमें ज्यादा रटने की बात नहीं है, इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आए उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास, ईंधन का विकास, उनका डिजाइन तैयार करना, तो ये सारा का सारा जो कार्य किया जा रहा है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जो थुम्बा में है। जो कहां पर है? थुम्बा में है, उसके द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखना। ये SLV, ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, और अब GSLV का ये दूसरा रूप है LVM। तो कौन सा होगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा। 1987-88 में SROS एक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया, यानी ये प्रारंभिक हैं SROS 1, SROS 2, SROS 3, रोहिणी, शुरुआत में आर्यभट्ट था, रोहिणी, भास्कर, फिर SROS 1, SROS 2, फिर SROS 3। तो ये अभी ध्यान रखना, प्रारंभ में हमारे जितने भी उपग्रह थे 90-95 से पहले वो जितने भी उपग्रह थे वो ASLV के द्वारा लॉन्च किए गए थे। किसके द्वारा? ASLV के द्वारा, SLV के द्वारा नहीं, ASLV के द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो ध्यान रखना। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी, ASLV डी, फर्स्ट का ASLV डी फर्स्ट, यानी इस ASLV डी फर्स्ट के द्वारा ये उपग्रह यान है, रॉकेट है, एक प्रकार का रॉकेट ही है, जिसका उपयोग किसके लिए किया गया? SROS 1 को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए, प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। GSLV के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी GSLV के संबंध में एक कथन है वो गलत है इसमें। यह 2500 किलो वाले उपग्रहों को भूस्थिति कक्षा में स्थापित करता है, बिल्कुल सही है ये। ये 2500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है, यानी ठोस, द्रव्य और क्रायोजेनिक। इसमें पहले रॉकेट जो इसमें बूस्टर होते हैं, एक्चुअली में जो उपग्रह होता है, उपग्रह प्रक्षेपण यान होता है, उसमें साइड में बूस्टर लगे होते हैं जगह जगह पर ऐसे। तो जो पहला होता है, जो सबसे पहले जो रॉकेट को रवाना करने वाला ईंधन होता है वो ठोस होता है, फिर जो रॉकेट अंतरिक्ष में जब गति कर जाता है और ये जो ईंधन है वो पूरा हो जाता है, तब ये इससे अलग हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका भार भी कम होता जाएगा और गति भी बढ़ती जाएगी, और लास्ट में होता है क्रायोजेनिक इंजन का काम लिया गया है। इसका क्रायोजेनिक ईंधन या इंजन का प्रयोग किया जाता है, और बीच में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का। और GSLV तीसरी पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ये गलत है, GSLV तीसरी पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान नहीं है।
ध्यान रखना। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना, यानी जीएसएलवी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्लियर हो गई, यानी आरपीएस आरएस के मेंस में भी ऐसी तकनीकी पूछा जा सकता है कि जीएसएलवी के बारे में कोई टिप्पणी पूछ सकती है। तो तीन पॉइंट यहाँ ही हो गए कि ये भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो इसरो और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित है, जो ये एक प्रकार का रॉकेट है जिसमें तीन इंजन वाला है, या तीन प्रकार के ईंधन काम में लेते हैं, ठोस, द्रव्य और क्रायोजेनिक, और तीसरे में क्रायोजेनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, प्रारंभ क्रायोजेनिक इंजन का तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ये चौथा होगा। ट्रांसोनिक विंड टनल क्या है ये देखो, इसरो के द्वारा तैयार किया गया टनल जिसका उपयोग नौसेना में किया जाता है, ये करंट का है। ट्रांसोनिक विंड टनल, ठीक है, ये क्या, ये इसरो के द्वारा तैयार किया गया टनल जिसका उपयोग नौसेना में किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इसरो द्वारा स्थापित, जहां अंतरिक्ष यानों के पुनः धरती के वातावरण प्रवेश संबंधी परीक्षण किए जाएंगे। थल सेना के लिए इसरो के द्वारा तैयार किया गया एक पुल है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अंतरिक्ष केंद्र यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के द्वारा, उस केंद्र में इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जहां अंतरिक्ष यान, जो पुनर्प्रवेशित अंतरिक्ष यान होते हैं, यानी यहां से अंतरिक्ष यान जाएगा, उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, फिर उपग्रह प्रक्षेपित करने के बाद वो जो यान है वो वापस वायुमंडल में नीचे आएगा, वायुमंडल प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही वहां पर वो उसका पैराशूट खुल जाएगा और वो लक्षित स्थान पर उसको उतार दिया जाएगा। तो इसके लिए परीक्षण किया जाएगा यहाँ पे, इसके लिए यहाँ क्या किया जाए, टेस्ट किए जाते हैं। ट्रांसोनिक विंड टनल में इनका ये प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का, जहां इसका उपयोग या इसका परीक्षण किया जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पीएस ओम एक्सएल मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह भी करंट का है, पीएक्स ओम यानी 2023 तक का करंट मैंने इसमें शामिल किया इस टेस्ट पेपर में। पीएस ओम एक्सएल मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से गलत कथन छांटना है। क्या कह रहे, इसरो के द्वारा तैयार किया गया मोटर जिसका उपयोग प्रक्षेपण यानों में किया जाएगा, यानी इसरो के द्वारा तैयार किया गया मोटर है जिसका उपयोग किसमें किया जाएगा, प्रेक्षण यानों में किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा निर्मित है ये, मतलब इसके बारे में एक गलत कथन है, ये पूरी लाइनें हैं, इसमें से तीन लाइनें हैं वो इसके लिए ही है। पीएस ओम एक्सल मोटर यानी एक प्रकार की मोटर है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा किया गया, बिल्कुल इसी के द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा तैयार मोटर जिसका उपयोग प्रक्षेपण यानों में किया जाएगा। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ये हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष संगठन में यहाँ पर परीक्षण किया गया है, यानी श्री हरिकोटा सार अंतरिक्ष केंद्र में इसका परीक्षण किया गया। तो ये तीनों लाइनें सही हैं। चौथी, इसका उपयोग थल सेना के लिए टैंकों में किया जाएगा, ये गलत है। तो ये अंतरिक्ष यानों में इसके मोटर हैं, ये उसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाएगा, और ये नागपुर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा इसका विकसित किया गया, निर्मित किया गया, और इसका परीक्षण है श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में संगठन के द्वारा, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। CE20 के संबंध में कौन सा कथन सही है, सारा करंट है, 2022 और 23 का करंट है, ये सारा करंट है। ये मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा पहले मैं उसकी हिस्ट्री करवाऊंगा और फिर उनका अपडेट, अब तक का अपडेट और एग्जाम से पहले तक जो भी अपडेट होगा वो बीच बीच में वीडियो डालता रहूंगा। अब देखो क्या कह रहा है, इसके संबंध में कथन सही बताना है, किसके बारे में, सीई के बारे में, CE20 के बारे में, इसरो के द्वारा तैयार क्रायोजेनिक इंजन, इसरो के द्वारा तैयार क्रायोजेनिक इंजन, बिल्कुल सही है, ये इसरो के द्वारा तैयार क्रायोजेनिक इंजन है, इसका उपयोग जीएसएलवी मिशनों में किया जाएगा, बिल्कुल सही है, जब क्रायोजेनिक इंजन है तो हम क्या करेंगे,
क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें किया जाएगा? लंबी दूरी के भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाले अंतरिक्ष यानों में इंजन के रूप में किया जाता है। इसका टेस्ट इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CE20 क्या है? इसरो के द्वारा तैयार किया गया क्रायोजेनिक इंजन जिसका उपयोग GSLV प्रक्षेपण यानों में किया जाएगा। इसका परीक्षण है वो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित प्रणोदक ईंधन या प्रणोदक ईंधन एक ही बात है, प्रणोदन क्या दो ईंधन क्या दो कॉम्प्लेक्स में किया गया। तो ये तीनों कथन सही हैं, इसका मतलब सभी कथन सही हैं, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ MOU किया है? किस कंपनी के साथ इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU किया है? तो किसके साथ किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, विप्रो के साथ, TCS के साथ या नासा के साथ? तो भाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। क्या, क्यों? क्योंकि हमें कंप्यूटर बनाना है। क्या अगर कंप्यूटर बनाना होता तो हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ करते। तो ये तीनों के साथ नहीं है। तो किसके साथ है? NASA अमेरिका स्पेस एजेंसी के साथ किया गया है, समझ गए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में कौन सा गलत है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में कौन सा गलत है? यह इसरो के द्वारा तैयार प्रक्षेपण यान है। दस फरवरी 2023 को इसके द्वारा तीन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। SSLV D2 द्वारा जानुस एक, आजादी सेट दो का प्रक्षेपण किया गया। SSLV प्रक्षेपण यान नासा की सहायता से विकसित है। तो एक प्रश्न है, एक ऑप्शन है इसमें वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? चौथा गलत है, ये नासा का थोड़ी है, इसरो के द्वारा संचालित। अब भारत में अंतरिक्ष के संबंध में हमें किसी भी देश से सहायता लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बिल्कुल ही अलग टाइप का कोई काम किया जा रहा है, कोई अनुसंधान किया जा रहा है, तो बात अलग है, अन्यथा हमें किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ये। तो ये SSLV क्या नासा की सहायता से विकसित, ये गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ब्रिटेन स्थित वन वेब के 36 सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ब्रिटेन के वन वेब के, ब्रिटेन की कंपनी है वन वेब के, 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया कि ये किससे किया गया, किस अंतरिक्ष यान से किया गया? तो किससे किया गया? इससे किया गया, LVM3M3। कहीं कहीं ये 3M3 की जगह 3M2 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहां पर ऑप्शन एक ही है, दूसरा ऐसा कोई मिलता जुलता ऑप्शन नहीं है। तो अपन LVM3M3 को सही करेंगे, समझ गए। इसके बाद अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष इतिहास का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है, इंपोर्टेंट है, यानी देर दे रखी है, मई 2023 तक का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? इसमें भारी रॉकेट जो भारी बड़े बड़े और बड़ी संख्या में अंतरिक्ष उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है, तो अभी पिछले पेज पे आया था LVM3, ये LVM3 अब तक का सबसे भारी रॉकेट है, इसरो के द्वारा विकसित है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, वाणिज्यिक शाखा, कॉमर्शियल ब्रांच है ये, कॉमर्शियल ब्रांच है, यानी ये उपग्रह वगैरह बेचना और उपग्रहों को प्रक्षेपण करने के लिए डील करने का काम करता है, ने किस देश के साथ 72 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का समझौता किया, यानी इनमें से किस कंपनी के साथ हैं भारत की इस वाणिज्यिक शाखा है इसरो की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक देश के साथ, एक कंपनी के साथ समझौता किया है कि हम आपके उपग्रहों को, जिनकी संख्या 72 है, छोटे छोटे उपग्रह हैं वो, को अंतरिक्ष में भेज देंगे। तो क्या नासा के साथ? नहीं, सीधा उत्तर कर देते हैं, नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के साथ, नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के साथ। अप्रैल 2023 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कितने विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब? अप्रैल 2023 तक कितने उपग्रह हैं वो प्रक्षेपित किए जा चुके हैं? आपको पुराने अपडेट भी मिलेगा, पुराना जो आंकड़े मिलेंगे वो कुछ अलग मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो ये उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या है वो 424 है। कितनी है? 424, कहीं कहीं 368 भी मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं 368 भी मिलेगा। NVS 01 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें से एक कथन है वो गलत है। यह इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट है, ये इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट है, ये कथन बिल्कुल सही है, ये इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट है। यह दूसरी पीढ़ी का पहला नेविगेशन उपग्रह है, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। ये इसरो का NVS, ये इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट है और ये दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट है। GSLV F12 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये कथन भी सही है। इस उपग्रह की सेवाएं भारत के सभी पड़ोसी देशों को उपलब्ध होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। NVS 01, विक्रम एस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विक्रम एस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रम एस ये प्राइवेट रॉकेट है, इसरो के द्वारा तैयार करवाया गया देश का पहला प्राइवेट रॉकेट, इसरो के द्वारा विक्रम एस, इसकी ऐसे ऐसे और भी होंगे, विक्रम S1, S2, S3 और भी इसके अलग अलग वर्जन हैं। यह उपकक्षीय प्रमोचक रॉकेट है, बिल्कुल सही है। ये दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्ट लगे हुए हैं। ये चारों कथन सही है, इसको याद कर लेना, रट लेना, RS मेंस में भी आएगा और करंट का है, अपडेट है ये अब तक का। ये मई जून तक का अपडेट है सारा का सारा। अभी चंद्रयान के बारे में मैं अलग से, बिल्कुल अलग से बनाऊंगा जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं। इसरो के द्वारा तैयार देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, यह उपकक्षीय प्रमोचक रॉकेट है, यानी उपकक्षीय में रॉकेट उपग्रह प्रक्षेपित करने का काम आता है। इसमें यह पहला कंपोजिट रॉकेट, ऑल कंपोजिट रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्ट लगा हुआ है। ओशियन सेट श्रृंखला के तीसरे उपग्रह ओशियन सेट थर्ड किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रारंभ के जो भी उपग्रह हैं वो सारे PSLV के द्वारा थे, तो ये ध्यान रखना, PSLV C-54 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ओशियन सेट तीन रॉकेट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया? तो PSLV C-54 के द्वारा, PSLV C-54 के द्वारा इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का सबसे भारी रॉकेट जिसका अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण
प्रक्षेपित किया गया, पहले भी आया है ये। सबसे भारी, तो सबसे भारी कौन सा है? LVM-3 M2। अब तक का सबसे भारी रॉकेट है ये, अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। GSLV MK3 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी GSLV MK3 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसरो के द्वारा निर्मित सबसे भारी रॉकेट, इसका नाम बदलकर LVM-3 M2 किया गया। बिल्कुल सही है ये लाइन, सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम बदलकर LVM-3 M2 कर दिया गया। तीन चरणों वाला रॉकेट जिसमें तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन संचालित है, हमेशा ध्यान रखना तीसरा चरण होगा वो क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा, इंजन ईंधन के द्वारा ही संचालित होगा, और इसके सभी चरण ठोस हैं, ठोस हो ही नहीं सकते, सभी चरण ठोस नहीं हो सकते कि लास्ट में इसको गति तेज देनी पड़ती है, इसलिए लास्ट में जो तीसरा चरण होगा या चौथा चरण होगा वो हमेशा सॉल क्रायोजेनिक ही होगा, तो ये चौथा गलत है। इसरो के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसरो के संबंध में कौन सा कथन गलत है कि इसरो ने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया, तो ये बिल्कुल सही लाइन है, ये बिल्कुल सही है, पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पहला साउंडिंग रॉकेट कब हुआ, पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया, भास्कर, रोहिणी, स्ट्रॉस, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे कैसे कब कब लॉन्च किए, वो थोड़ा हिस्ट्री ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। दूसरा उपग्रह 7 अप्रैल 1979 को प्रक्षेपित किया, ये कथन भी सही है। रोहिणी उपग्रह को SLV-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये लाइन भी सही है। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2009 को प्रक्षेपित किया गया, ये गलत है। चंद्रयान फर्स्ट 2009 में लॉन्च नहीं किया गया था, वैसे अब चंद्रयान थर्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड के बारे में ध्यान नहीं रखना है। और एक एक जो मेगा ट्रॉपिक्स है, भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह था, उसके बारे में मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि वो खत्म हो गया है, उसको गिरा दिया गया है, मतलब वो उसने काम करना बंद कर दिया था, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किसके साथ 5 PSLV रॉकेट बनाने का अनुबंधन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का बढ़ता हुआ अंतरिक्ष व्यापार है ये, भारत का अंतरिक्ष बढ़ता हुआ अंतरिक्ष व्यापार है, क्योंकि अब हम अपने उपग्रह यान को किराए पर दे रहे हैं, किराए दे रहे हैं मतलब दूसरे देशों के जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए हम उनसे ले रहे हैं, मतलब उनके उपग्रहों को हम अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? किराया मिलता है। तो दुनिया में भारत मतलब एक उभरता हुआ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत उभरता हुआ देश है, कुछ ही समय में, ज्यादा नहीं 5-6 साल में ही भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सिरमौर होगा दुनिया का। क्या कह रहा हूं, न्यू स्पेस इंडिया के द्वारा किसके साथ PSLV रॉकेट बनाने का अनुबंधन किया गया है? अब ये PSLV क्यों, GSLV क्यों नहीं? अब तक का यानी जितने भी अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान हैं, चाहे वो SLV है, ASLV है, PSLV है, GSLV है, यानी PSLV बिल्कुल विश्वसनीय है, यानी इस पर इतने प्रयोग हो चुके, इतना परीक्षण हो चुके, ये उतने विकसित हो चुके हैं कि इन उपग्रहों के विकास में भारत के अंतरिक्ष विभाग को, इसरो को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके इन उपग्रहों का निर्माण, इन प्रक्षेपण यानों का बड़ी अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक किए जा सकते हैं, इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब तक का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है ये PSLV, जितनी भी श्रेणियां हैं PSLV की, बहुत ज्यादा श्रेणियां हैं, 55-56 तक चली गई है। हिंदुस्तान अब किसके साथ किया गया है इसका समझौता? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड और LNT लॉर्सन एंड टर्बो के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नासा के द्वारा, और नासा नेशनल एरोनॉटिक्स और विक्रम साराभाई के साथ, और अंतरिक्ष आयोग और नासा के साथ, तो ये तीनों गलत हैं।
ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल और लार्सन एंड टर्बो के साथ समझौता हुआ है कि आप मिल करके 5 PSLV बनाए जाएंगे। स्पार्क क्या है? स्पार्क क्या है? इंपॉर्टेंट है, स्पार्क क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, वेरी इंपॉर्टेंट, यही है इसका उत्तर, यही उत्तर है, बाकी सारे गलत हैं। ये वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है ये, जो इसरो के द्वारा विकसित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कॉमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किस रॉकेट से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए? किस रॉकेट से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए? तो देखो PSLV C-53 के द्वारा, फिर इंपॉर्टेंट है, देखो PSLV की विश्वसनीयता देखो, GSLV हम इतना यूज नहीं कर रहे हैं जितना PSLV यूज कर, हमें विश्वास है कि ये हमारी इतनी विश्वसनीय सैटेलाइट उपग्रह यान है कि बस खटका दबाया और सीधा अंतरिक्ष में। तो PSLV C-53 के द्वारा सिंगापुर के 3 रॉकेट लॉन्च किए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा यानी इसरो के द्वारा जी सेट 24 उपग्रह संचार उपग्रह के उपयोग की स्वीकृति किसको दी गई है? यानी इसरो के द्वारा जो जी सेट 24 संचार उपग्रह, ये संचार उपग्रह का नाम है, ना कि 24 संख्या है, ये नाम है जी सेट 24 नंबर का ये संचार उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? संचार उपग्रह। इस उपग्रह का उपयोग संचार के लिए उपयोग करने का स्वीकृति किसे दी गई है? गोल्ड स्टार, स्टार गोल्ड को, टाटा प्ले को, प्रसार भारती को, स्पोर्ट्स इंडिया को? तो ये टाटा प्ले को दिया गया है ताकि वो अपने इसमें उसका उपयोग संचार के क्षेत्र में कर सके, संचार के क्षेत्र में करने के लिए दिया गया है जी सेट 24 को। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र की और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में की गई। कहाँ की? गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखे, काम में आ सकता है ये। इसरो के द्वारा किस वर्ष शुक्र ग्रह की कक्षा के लिए शुक्र ग्रह मिशन भेजने की योजना है? कब? 2024 में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर 2024 में नहीं भेज सके तो फिर 2028 में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए जो दशाएं बन रही है, स्थितियां परिस्थितियां बन रही है ब्रह्मांड के संबंध में, टेक्निकली जो परिस्थितियां बन रही है ग्रहों की गति के संबंध में, वो 2024 में बन रही है, और अगर 2024 में नहीं कर पाए तो फिर वो 2028 में बनेगी। इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान को किस रॉकेट से छोड़ा गया? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो उत्तर आ जाएगा इस। क्या GSLV मैक 3 के द्वारा, क्या LVM 3 के द्वारा, GSLV मैक 4 के द्वारा, या LVM 5 के द्वारा? उत्तर होगा LVM 3 के द्वारा इसका लॉन्च किया गया चंद्रयान को। शकुंतला क्या है? शकुंतला DRDO द्वारा विकसित एक विमान वाहक पोत है। भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सेल द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सेल, ये स्टार्टअप का नाम है, पिक्सेल द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह
उपग्रह है, तो बिल्कुल सही है ये। इसरो द्वारा तैयार क्रायोजेनिक इंजन, वो तो इसरो द्वारा तैयार जो क्रायोजेनिक इंजन था वो कौन सा था, कौन सा था, CE-20 था, जिसका GSLV में इसमें का, सब में काम आया, क्रायोजेनिक इंजन में काम आया। DRDO द्वारा विकसित थल सेना का एक टैंक, नहीं सब ये सही है, ये सही है। तो ये अपना मैंने अभी जो किया है वो सारा अंतरिक्ष के संबंधित था, उसमें करंट भी था, करंट प्रौद्योगिकी की शामिल थी अंतरिक्ष के संबंध में। और भी कोई अपडेट होगा तो मैं बीच बीच में इसके आपको उपलब्ध करवा दूंगा प्रश्न सेट के रूप में, इसी रूप में। ये मेरा ऐप है, ऐप पर बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं, इसमें राजस्थान का एक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट पेपर अपलोड कर रखे हैं, उसमें सारे RPSC के इतिहास से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न हैं वो टेस्ट फॉर्म में अपलोड किए हुए मैंने, केवल GK के और GK के, राजस्थान के, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल के, और बहुत ही अच्छे, यानी डबल सभी प्रकार के हैं, मेरे बनाए हुए प्रश्न भी हैं, आए हुए प्रश्न भी हैं, और जितने भी सरकारी बुक हैं, जितनी भी सरकारी बुक है, इन सभी सरकारी बुक्स का टॉपिक वाइज टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है मैंने हर टॉपिक। जैसे कोई भी सरकारी बुक ले लिया, जैसे मान लो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है, तो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी प्रश्न बनते हैं उस किताब से, इम्पोर्टेंट सारे जितने भी बनते हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। लगभग इसमें ₹500 इसका चार्ज है, और लगभग 10,000 से ज्यादा इसमें प्रश्न है, 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसको मैं अभी इसका जो वैलिडिटी है मैं बढ़ाने वाला हूँ, लगभग इसको मैं 3 वर्ष के लिए इसको कर रहा हूँ, 3 वर्ष है समझ लो, हो गया है, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में पढ़ेंगे, फिर बीच में जो भी अपडेट आएगा, मैं कुछ कर रहा हूँ अनुसंधान रिसर्च कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि बड़े बड़े प्रश्न मिल जाए, विभिन्न जो भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी की, इसरो की, DRDO की, इनकी जो साइट है वहां से कुछ मिल जाए तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगी।